घुट घुट कर जीता हुआ एक इंसान जब अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाया, कह गया वो अपनों को ही बुरा भला, फिर रो रो कर अपने किए पर बहुत पछताया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि अहलावत है और एक नई सोच में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में मैं आपके सामने लेके आता हूँ कुछ कहानियाँ जो जुड़ी हैं मुझसे और उन हज़ारों स्टूडेंट्स की ज़िंदगी से जिनको मैं ट्रेन करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आज की कहानी परेशानियों का पेड़ भी आपको बहुत पसंद आएगी। आज की कहानी है एक कारपेंटर की, जिसको एक नई नौकरी मिलती है, बट उसका पहला दिन बहुत ही बेकार रहता है। उसकी कुल्हाड़ी उसके पैर पे गिर जाती है, जिस ट्रक में वो जाता था वो ट्रक पंचर हो जाता है, सबसे उसको डांट फटकार मिलती है, पूरे दिन कुछ काम नहीं होता, बस फटकार मिलती है और काम गलत हो जाता है और चोट भी लग जाती है। वो बहुत ही परेशान था, उसने मुँह लटकाया हुआ था। तो मालिक ने सोचा चलो आज मैं इसको ड्रॉप करता हूँ, क्योंकि इसका पहला दिन था। तो उसने उसको बोला चलिए मैं आपको ड्रॉप करता हूँ। तो वो कारपेंटर चुपचाप अपने मालिक के साथ उसकी कार में बैठ गया। पूरे रास्ते उसने अपना मुंह लटकाया हुआ था, उसने कोई बात नहीं की। जैसे ही वो उसके घर पे पहुँचे तो कारपेंटर ने अनुरोध किया कि अब आप घर आ ही गए हैं तो चलिए फैमिली से भी मिल लीजिए। मालिक ने हामी भरते हुए उसके साथ साथ हो लिया। पर जैसे ही वो घर के सामने पहुँचता है तो एक अजीब सी बात होती है। घर के सामने था एक पेड़, और वो कारपेंटर उस पेड़ के पास जाता है, उसको कुछ दो बातें बोलता है और अचानक बहुत खुश हो जाता है। मालिक ये देख के बहुत दंग था। उसने सोचा ये अचानक क्या हो गया इसको कि जो पूरे रास्ते मुँह लटकाए हुए था बहुत खुश है। उसने बड़ी ही उत्साह से घर का दरवाज़ा खटखटाया, बच्चों ने दरवाज़ा खोला, उसने अपने बच्चों को हक किया, अपनी वाइफ से प्यार किया और प्यार से बातें की। मालिक ये देखता रहा चुपचाप। जब मालिक चलने लगा और कारपेंटर उसको कार तक छोड़ने के लिए आया तो मालिक ने उससे पूछ ही लिया कि अचानक ये पेड़ को तुमने क्या बोला जिसके बाद तुम बहुत खुश हो गए। तो कारपेंटर ने बड़े हंसते हुए जवाब दिया कि साहब ये जो पेड़ है ये है परेशानियों का पेड़। जब मैं बाहर से थका हारा और उदास बाहर आता हूँ तो मैं अपनी सारी परेशानियाँ इस पेड़ पे टांग देता हूँ, और घर जब पहुँचता हूँ तो अपने उत्साह के साथ और खुशी के साथ पहुँचता हूँ, क्योंकि मेरी सारी परेशानियाँ तो बाहर रह गई हैं। और इसमें मज़े की बात यह है, जब मैं सुबह इन परेशानियों को वापस लेता हूँ काम पे जाने से पहले, तो ये पहले से लगभग आधी होती हैं। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, परेशानियाँ तो हमेशा होती हैं, ये तो बात पक्की है। बट उसका सामना अपने परिवार को, बच्चों को, माँ बाप को करना पड़े ये ज़रूरी तो नहीं। उसका सामना तो हमें ही करना है, बट उसका वो भोगें वो सही बात नहीं है। हमें भी अपने घर के बाहर एक परेशानियों का पेड़ ज़रूर उगाना चाहिए। जब घर के अंदर घुसें तो उसके ऊपर अपनी सारी समस्याएं टांग के जाएं, और जब बाहर निकले तो उनको लेके जाएं। और अक्सर आप देखेंगे कि वो परेशानियां जब आप सुबह वापस उठाएंगे तो पहले से कम मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन तमाम दोस्तों के साथ जिनकी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत भी बदलाव ला सकता है। कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए कि हम नए किस विषय पर कहानी ला सकते हैं। थैंक यू।